तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं जो न्यूटन्स लॉ से लिया गया है। तो सवाल क्या है, थ्री आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर अरेंज्ड इन ए ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर विद द बॉटम टू लाइंग ऑन द ग्राउंड। द ग्राउंड एंड सिलेंडर्स आर फ्रिक्शनलेस। तीन तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा और इस पर एक फोर्स लगाया जाता है ऐसे एफ, ठीक है। द ग्राउंड एंड सिलेंडर्स आर फ्रिक्शनलेस, मैंने सारे का सारा सिलेंडर जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब आपको फ्रिक्शन नहीं मानना है यहाँ पे, ठीक है। यू अप्लाई ए कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स डायरेक्टेड टू द राइट ऑन लेफ्ट सिलेंडर। ये जो लेफ्ट सिलेंडर है हमारा, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई की, ठीक है। ऑन द लेफ्ट सिलेंडर लेट ए बी द एक्सेलरेशन यू गिव टू द सिस्टम। एक्चुअल में अगर तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों का मास अगर हम सेम मान सकते हैं एम, मान लिए लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यू गिव टू द सिस्टम फॉर व्हाट रेंज ऑफ ए विल ऑफ द थ्री सिलेंडर्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मैंने ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, मतलब ये जो तीनों जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है, लेट्स अगर इस पर फोर्स लगाए एफ, ठीक है, तो तीनों का तीनों एक्सेलरेशन कितना है आगे की तरफ, तीनों के तीनों ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ए का वैल्यू, और या मीन टू मीन कितना होना चाहिए, हमें रेंज बताना है हमको, ताकि ये तीनों जो सिलेंडर्स हैं वो कॉन्टैक्ट में मूव कर सकें। ये हमारा सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए। चलिए हम बताते हैं, बढ़िया समझिएगा। अगर क्या होगा जब फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब जैसे मान लेते हैं कि तीन ठो सिलेंडर है ऐसे तीन ठो सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, और ऐसे तीन ठो सिलेंडर है, और इस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा इधर, ठीक है। दिस इज लेट्स N1, तो इसका सरफेस भी इसको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल फोर्स किधर, N1, ऐसे। उसी तरह उसके सेंटर को ज्वाइन किए तो इसका सरफेस जो है इस कॉन्टैक्ट में है, तो इसका सरफेस इसको प्रोवाइड करेगा नॉर्मल फोर्स किधर, इस वाले सरफेस को पुश करेगा इधर बाई नॉर्मल फोर्स N2 से, तो इसका सरफेस भी इसको N2 से पुश करेगा। और उसी तरह इसका सरफेस इसको पुश करेगा बाई नॉर्मल फोर्स कितना से, N3 से, और इसका सरफेस इसको पुश करेगा बाई नॉर्मल फोर्स कितना से, N3 से। तो ध्यान से देखिए कि N3 तो है ही, साथ ही साथ N2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा 60 डिग्री, क्योंकि EBR ये तीनों जो है वो एक आइडेंटिकल, इसलिए रेडियस सेम मानेंगे, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया उसको सेंटर को ज्वाइन किए, तो ए वाला आएगा 60, ए वाला भी आएगा 60 डिग्री, ए वाला भी आएगा 60 डिग्री। तो N1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर N1 cos 60, और N1 का एक कॉम्पोनेंट आएगा N1 sin 60। उसी तरह N2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा N2 cos 60, और N2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा N2 sin 60। N2 sin 60, N1 sin 60 को जो ये ग्राउंड है ये उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा के क्या कर लेगा, बैलेंस। लेकिन ये जो N3 + N2 cos 60 है और N3 + N1 cos 60 है, उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। ए ब्लॉक इधर जाएगा, ए ब्लॉक इधर जाएगा, जिसकी वजह से ए ब्लॉक दोनों एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने दोनों ब्लॉक, ए आगे की तरफ जाएगा राइट में, ए जाएगा लेफ्ट में, और ये ब्लॉक ऊपर वाला नीचे आएगा। तो तीनों जो है ऐसे नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, तीनों जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ समय के बाद सिचुएशन ये होगा कि तीनों जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं रहें, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहें, मतलब एस इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, तीनों के तीनों जो है वो ऐसे ही यही अरेंजमेंट बना के रखें, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा इधर की तरफ ऐसे। अगर ये फोर्स लगा देंगे तो जो इधर जा रहा है उसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, और ऑफकोर्स एक कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से ऊपर वाला सिलेंडर ऊपर ही रहेगा। तो उसके लिए कितना मैक्स टू मैक्स फोर्स लगाना पड़ेगा, या मैक्स मीन टू मीन कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हमारा सवाल है। चलिए तो बताते हैं, सब बढ़िया से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। अब देखिएगा, आराम से समझिएगा। पहले अगर हम इस सिलेंडर पे फोर्स लगाएं, तो इसका सेंटर है ए वाला हमारा,
इसका सेंटर है हमारा ए वाला, ठीक है। अगर इस पे फोर्स लगाए हैं तो तीनों का तीनों जो है एसरेशन को मान लेते हैं हम, ये पूरा सिस्टम मान लेते हैं तीनों को, और पूरा सिस्टम का एसरेशन सामने की तरफ ए है, तो पूरे सिस्टम पे न्यूटन्स लगाएंगे तो दिस फोर्स इक्वल टू होगा मास, मास कितना होगा, मास होगा 3m इंटू सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल एसरेशन ए, तो यहाँ से एसरेशन आ जाएगा मेरे पास एफ बाई 3m। अब यही हमको ए का वैल्यू जो है मैक्सिमम मिनिमम बताना है कितना होगा। ए आ गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसरेशन फोर्स लगाने के बाद। अब फोर्स लगाने के बाद क्या क्या सिचुएशन आएगा वो समझिएगा। यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया समझिए। फोर्स लगाने के बाद क्या क्या सिचुएशन आएगा उसको हमको यहाँ पे समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक सिलेंडर है ऐसे ऐसे, और इसके साथ दो ठो सिलेंडर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका सेंटर ए वाला है, इसका सेंटर ए वाला है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसका सेंटर ए वाला है, इसको भी ज्वाइन कीजिए, और इसका सेंटर ए वाला है, इसको भी ऐसे ज्वाइन कीजिए कांटेक्ट में। हमको पता है कि इसका सरफेस इसको इसके सरफेस को पुश करेगा बाय नॉर्मल फोर्स कितना से, N1 से। तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऊपर वाला भी स्फीयर का सरफेस नीचे वाले स्फीयर को पुश करेगा बाय नॉर्मल फोर्स कितना से, N1 से। उसी तरह ये जो है इसका सरफेस ए वाला इसके सरफेस को पुश करेगा बाय नॉर्मल फोर्स कितना से, N2 से, ऐसे ऐसे N2 से। तो नीचे वाला सरफेस भी ऊपर वाले सरफेस को पुश करेगा भाई नॉर्मल फोर्स कितना से, N2 से, ठीक है। उसी तरह ए वाला कांटेक्ट में है तो इसका सरफेस इसको पुश करेगा भाई नॉर्मल फोर्स कितना से, N3 से। कांटेक्ट में इसलिए है क्योंकि हम इस पे क्या लगाए हैं, ऐसे फोर्स लगाए हैं ऐसे, ठीक है F। और इसका सरफेस जो है इसको इधर की तरफ पुश करेगा भाई नॉर्मल फोर्स कितना से, N3 से, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, पहले जो है आप ए बताइए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। पहले बताइए ये जो है क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए वाला। इसके सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे C1, C2, C3, दीज आर फॉर्म्ड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो ए वाला एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी 60, अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी 60, ठीक है। तो अगर हम ए वाला वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें ऐसे 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 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो, और ऊपर वाला सिलेंडर का FBD बनाए ऊपर वाला इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बाय N2, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है बाय फोर्स N1, और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा MG किधर नीचे। तो यहाँ पर या तो लेमिस थ्योरम अप्लाई कीजिए N1 N2 फाइंड करने के लिए, या सिंपल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। तो ये हो 30, ये भी कितना होगा 30, क्योंकि 60 है तो ये वाला भी 30, ये वाला भी 30, तो भैया टोटल 60 होगा। तो N1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, दिस विल बी N1 cos 30, और N2 का भी एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, दिस विल बी N2 cos 30, ठीक है। और MG अब ये पूरा का पूरा कहीं नहीं जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है ऊपर वाला स्फीयर इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं। हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है। जैसे इधर की तरफ आएगा कंपोनेंट कितना, N1 cos 60, सॉरी N1 साइन 30, और इसका एक इधर वाला कंपोनेंट, और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ N2 साइन 30, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में कितना है ऊपर की तरफ N1 cos 30, तो दिस विल बी N1 cos 30 प्लस N2 cos 30, दिस विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स है MG, इसको बैलेंस करके रखा है। तो यहाँ पर N1 इंटू रूट 3 बाई 2 और प्लस N2 इंटू रूट 3 बाई 2 इक्वल टू MG। तो यहाँ पर N1 प्लस N2 आ गया मेरे पास, कितना आ गया 2 MG बाई रूट 3, इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ध्यान से देखिए कि जो N1 N2 आया है वो फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये फोर्स जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। F पे डिपेंड नहीं कर रहा है, M कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, रूट 3 कांस्टेंट है, तब ये कांस्टेंट फोर्स हो गया N1 प्लस N2।
उस तरह अगर हॉरिजॉन्टल में अगर अप्लाई करें तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल में वो फार्मनी की तरफ ए एसरेशन से मूव कर रहा है। तो एन वन साइन थर्टी बड़ा है, एन टू साइन थर्टी छोटा है, तभी ना ए एसरेशन से आप पूरा सिस्टम ए से आगे जा रहा है, ई भी ए से आगे, ई भी ए से आगे, ई भी ए से आगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगाए हैं। तो एन वन साइन थर्टी बड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, एन वन साइन थर्टी माइनस एन टू साइन थर्टी इक्वल टू मास इंटू एसरेशन हॉरिजॉन्टल में। तो एन वन बाई टू, एन टू बाई टू, तो यहाँ पर आ जाएगा एन वन माइनस एन टू बराबर टू एम ए, ठीक है। इक्वेशन कितना आ गया, सेकेंड। अब यहाँ पे एन वन एन टू जो है वेरी कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड करेगा, एसरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि एन वन माइनस एन टू इक्वल टू लिखेगा टू एम एक जगह पे, एफ बाई थ्री एम, यहाँ से एम एम कट गया और एन वन माइनस एन टू आ गया मेरे पास टू एफ बाई थ्री। इक्वेशन कितना मान लीजिए, सेकेंड, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ पे डिपेंड कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये दो को इक्वेशन हमारा काम का है, ठीक है ना, चलिए काम का है। अब हमको निकालना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम एक्सलरेशन कितना होगा जिसके लिए तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर सके। तो देखिए सबसे पहले हमको मिनिमम एक्सलरेशन के लिए देख रहे हैं कि ये एक्सलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन, फोर्स, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर ये दो ठो स्पीयर है, नीचे वाले दो ठो स्पीयर, अगर हम क्या करेंगे कि पहले हम इस पर फोर्स लगाएंगे एफ, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो इस पर फोर्स लगेगा तो ए वाला स्पीयर कहाँ जाएगा, आगे, ए वाला स्पीयर जाएगा आगे। ए वाला स्पीयर जब आगे जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, ए वाला स्पीयर अगर आगे जाएगा तो ए जो है इसके बीच का सेपरेशन लगातार घटेगा, नीचे वाला स्पीयर के लिए बना रहे, ऊपर वाला स्पीयर कुछ ऐसे है। तो जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ए वाला स्पीयर इसके क्लोज आते जाएगा, और क्लोज आते 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 एक ऐसा समय आएगा कि ए जो है ऐसे जस्ट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जस्ट इसके टच करेगा इसको, किसको, इस वाले स्पीयर को, जस्ट, ठीक है, इसको जस्ट नीचे वाला को टच करेगा, ठीक है ना। फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जस्ट नीचे वाला स्पीयर को क्या किया, वो टच किया ऐसे, जस्ट नीचे वाले स्पीयर को क्या किया, इसे टच किया जस्ट। और जैसे ही टच करेगा तो उसके पास कुछ एसरेशन आ जाएगा, लेट्स, उसका एसरेशन है लेट्स ए, जस्ट टच करते हुए उस समय, तो इस जैसे ही टच करेगा, यहाँ पर समझिएगा, जैसे ही टच करेगा ये दोनों स्पीयर, ए वाला और ए वाला, तो उस समय नॉर्मल इसके पास कुछ आएगा, ठीक है, लेट्स इसके पास नॉर्मल आएगा इधर की तरफ एन थ्री, और इस पर नॉर्मल आएगा इधर की तरफ एन थ्री, ठीक है, जस्ट टच करते समय, ठीक है ना, जस्ट टच करते समय। लेकिन हमको कम से कम मानना है, कम से कम कितना होना चाहिए ताकि जस्ट तीनों मूव करने वाला रहे, जस्ट तीनों मूव करने वाला रहे, वो मैंने पर्टिकुलर केस बताइए, ठीक है, जिसके लिए जस्ट तीनों मूव करने वाला रहे। तो मूव करने के केस में बोल सकते हैं जस्ट जो है नॉर्मल रिएक्शन, मैंने जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जो है अभी जीरो ही है, मैंने टच में हो गया है लेकिन थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, उस मिनिमम एक्सलरेशन के केस में मान सकते हैं कि ये नॉर्मल एन थ्री अभी कितना है, जीरो है, मैंने टच होना थोड़ा सा बचल है, ठीक है, जस्ट मूव करने के केस में, ठीक है। उसके बाद और फोर्स बढ़ाएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, उसके बाद ही मूव कर जाएगा, तो वो जो एक्सलरेशन होगा, मतलब ये जो एक्सलरेशन होगा जो मिनिमम एक्सलरेशन से थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसके लिए ये तीनों ब्लॉक क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो बोल सकते हैं कि ये जो जस्ट ये जो फोर्स ये बढ़ाते गए, ये फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और जस्ट नॉर्मल जीरो हुआ, मैंने जस्ट नॉर्मल जीरो का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल अब जीरो है, पहले से तो जीरो ही था, यहाँ पे भी नॉर्मल जीरो ही था, अभी कॉन्टैक्ट में नहीं था, लेकिन जैसे ही टच करेगा तो वहाँ पे तक जो है हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल अभी कितना है, जीरो है, उसके बाद नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा तो फिर मिनिमम एक्सलरेशन नहीं बोल सकते हैं उसको, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोलेंगे, मिनिमम से ज़्यादा बोल देंगे फिर, ठीक है। तो कम से कम केस में बोल सकते हैं कि इसका नॉर्मल कितना बोल सकते हैं आप, जीरो बोल सकते हैं, फिर हुआ नॉर्मल कितना बोल सकते हैं, एन थ्री, जीरो, कम से कम केस केस में। तो ये एक्सलरेशन मिनिमम हो, मिनिमम के लिए आप बोल सकते हैं कि एन थ्री कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नीचे वाला अगर कॉन्टैक्ट में नहीं मूव करेगा तो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट में बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए नीचे वाला को हम कॉन्टैक्ट में रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिए एन थ्री। तो एन थ्री जस्ट जो है हम आप बोल सकते हैं कि मिनिमम के केस में कितना बोल सकते हैं, जीरो। नहीं तो एक्सलरेशन अगर तीनों साथ में मूव कराना है तो उस केस में एन थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, उसमें ए जो है वो मिनिमम एक्सलरेशन से थोड़ा क्या होना चाहिए, ज़्यादा, उस केस में नॉर्मल एन थ्री जीरो नहीं होगा। लेकिन मिनिमम के केस में बोल सकते हैं कि एन थ्री कितना है, जीरो है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये वाला हमारा स्फीयर है ऐसे, ये वाला हमारा स्फीयर है और ये वाला हमारा स्फीयर है, ठीक है, ये वाला स्फीयर है और इस पर फोर्स अप्लाई किए हैं एफ, ठीक है, और ऊपर भी स्फीयर ऐसे ऐसे। एक बात बताइए कि
इस वाले स्फीयर पे कौन कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इस वाले पे, इस पे फोर्स प्रोवाइड किया है ऊपर वाला सरफेस कौन सा, एन टू, ठीक है। अब एन थ्री हम जस्ट कितना मान लिया है, जीरो मान लिया। अभी फोर्स जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच गया जिसके लिए ये एक्सेलरेशन है इसके पास, कुछ ए मिनिमम है। अब बताइए कि यहाँ पे एन थ्री तो जीरो बोल सकते हैं कि सरफेस एन थ्री जो फोर्स लगा रहा है उसके इसमें जीरो है। अच्छा, ए वाला एंगल कितना है 60, तो एन टू का एक कॉम्पोनेंट आएगा एन टू कॉस 60, अब एन टू का एक कॉम्पोनेंट आएगा एन टू साइन 60। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो ब्लॉक ए वाला है, सी ब्लॉक, इसको सी बोल दीजिए, ये सी ब्लॉक है, वो क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लग जाएगा एन डैश और ऑफकोर्स एन टू साइन 60 को बैलेंस कर लेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो एन टू कॉस 60 है वो सी ब्लॉक के लिए वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया ए मिनिमम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन टू कॉस 60 बराबर एम इन टू ए मिनिमम। तो यहाँ से एन टू कॉस 60 हो गया 1/2, तो एन टू का वैल्यू हो गया एम इन टू 2m, ठीक है। ए मिनिमम यही है उस समय, ठीक है ना, ए मिनिमम जो है मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है इस समय, ए है, क्लियर हुआ, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में और कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तो ठीक है ना, अच्छी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया, यहाँ पर एन टू का वैल्यू कितना आया, 2m आया, एन टू बाई 2 बराबर एम इन टू ए, तो एन टू का वैल्यू आ गया मेरे पास 2m। अब जो एन टू आया है मेरे पास, इसको हम क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, कितना है 2m, या यहाँ पर एन टू का वैल्यू ए भी लिख सकते हैं कि एन टू इक्वल टू 2m, एक जगह पे f बाई 3m जो शुरुआत में कैलकुलेट किए थे, m से m कट गया और एन टू का वैल्यू आ गया मेरे पास 2f/3। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को याद कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में था कि एन वन माइनस एन टू बराबर 2f/3, यहाँ पर एन टू का वैल्यू 2f/3 है, तो एन वन इक्वल टू हो गया 4f/3, एन वन आ गया मेरे पास 4f/3, एन टू आ गया मेरे पास 2f/3। एन वन एन टू अगर आ गया तो मेरे पास, तो नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल तो आ ही गया, ऐसा तरह से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एन वन प्लस एन टू 2mg/√3 के बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको फोर्स निकालना है, तो एन वन प्लस एन टू जो है वो 2mg/√3 के बराबर है, तो एन वन की जगह पर 4f/3, एन टू जगह पर 2f/3 इक्वल टू 2mg/√3, तो 4 और 2 6f/3 बराबर 2mg/√3। बताइए 3 से 2 कट गया और मेरे पास आ गया, मेरे पास कितना एक्सेलरेशन आ गया, मेरे पास फोर्स आ गया कितना mg/√3, फोर्स आ गया mg/√3। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो दिस मिनिमम एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज मिनिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू ए बाई, सॉरी, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो ए बराबर कितना था, f/3m था, तो यहाँ पे f की जगह पे लिखेगा mg/√3m, m से m कट गया और मिनिमम एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास g/√3। तो ये कम से कम एक्सेलरेशन है जिसके लिए तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, कम से कम, मैंने इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए प्रैक्टिकली, तभी जो है तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा, लेकिन इस केस में तो नॉर्मल जीरो है, इस केस में तो नॉर्मल जीरो है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तब जीरो मूव करेगा। तो फिजिक्स के सवाल में मिनिमम के केस में हम इक्वलिटी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या कंडीशन है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या यहाँ पे सिचुएशन आएगा, ये हम तुमको बताना चाहते हैं। देखिए ये फोर्स है, ये वाला फोर्स, अगर ये फोर्स हम लगातार बढ़ाते जाएंगे तो क्या सिचुएशन आएगा, ये समझिएगा। ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो जैसे, तो इस पर तो नॉर्मल आ ही गया था, इस पर आपको पहले से ही पता है कि इस पर नॉर्मल था, इस पर एन थ्री इधर और इस पर नॉर्मल था इधर की तरफ फोर्स एन थ्री ऐसे, और इस पर इधर की तरफ फोर्स था ऐसे, दिस इज एन टू, और ए वाला एंगल कितना है 60, एन टू का एक कॉम्पोनेंट एन टू कॉस 60 माने एन टू बाई 2, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। अगर हम इस पर न्यूटन्स लॉ अभी लगाएं, सुनिए, नॉर्मल आने के बावजूद इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आएगा कि आप देखिए यहाँ पे कि n2 by 2 प्लस n3 और बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना आ गया, n2 का वैल्यू एक बार निकाल के देखिए, n2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 2m/2n3, ये आ गया 2m/2n3। अब सिचुएशन क्या है समझिए बढ़िया से, कि जैसे जैसे हम ये फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ये जो नॉर्मल फोर्स है n3 वो लगातार बढ़ेगा क्योंकि कांटेक्ट में आएगा,
तो लगातार N3 बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे ये वाला N3 बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाने से बाबू क्या होगा हमारा ये जो N3 है लगातार बढ़ेगा, ये वाला N3 लगातार बढ़ेगा तो N2 लगातार क्या होगा घटेगा, N2 लगातार घटेगा, ठीक है। फोर्स बढ़ाते गए N2 लगातार घटते गया और एक ऐसा समय आएगा कि ये वाला जो सिलेंडर है ये वाला वो आगे निकल जाएगा और ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इस वाले N2 घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला सरफेस के बीच में नॉर्मल घट रहा है N2 ए वाला सरफेस, अब ए वाला सरफेस के बीच में नॉर्मल जब घट रहा है इसका मतलब ए है कि ए वाला सरफेस जो है और ए वाला सरफेस टूटने वाला है, ठीक है। सरफेस क्या होने वाला है, टूटने वाला है। तो फोर्स बढ़ाते गए और N2 का वैल्यू घटते गया और घटते एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा पर्टिकुलर फोर्स होगा जिसके लिए N2 जस्ट जीरो हो जाएगा। उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उस समय तक जो है तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। उसके बाद और अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे जिसके लिए N2 जीरो हो गया उसके बाद और फोर्स बढ़ाएंगे तो उसके बाद जो है वो ए वाला ब्लॉक उठ के कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले ब्लॉक पर, ठीक है। कुछ समय के बाद गिर भी जाएगा ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स के केस में मैक्सिमम फोर्स लिखिए या एक्सेलरेशन लिखिए केस में N2 का वैल्यू जस्ट कितना होना चाहिए, जीरो जस्ट, ठीक है, जस्ट अबाउट टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे N2 जीरो कीजिए तो जीरो इक्वल टू होगा 2MA माइनस 2N3, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2N3 का वैल्यू आ गया मेरे पास 2MA, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कट गया और N3 का वैल्यू कितना आ गया, M into A आ गया, ठीक है। N3 का वैल्यू कितना आ गया, M into A, माने उस समय जो N3 फोर्स होगा वो कितना होगा, M into A के बराबर होगा और A जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अच्छी बात है, हमको N3 से मतलब नहीं था, हमको तो बताना है कि उस समय मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कितना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए इक्वेशन, आप दो को निकाल चुके हैं पहले ही पूरा ब्लॉक पे कि N1 माइनस N2 बराबर कितना है 2A/3 और N1 प्लस N2 बराबर 2MG/√3। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन यूज कीजिए आप, क्या क्या इक्वेशन है फिर से एक बार लिख लेते हैं उसको, N1 प्लस N2 बराबर 2MG/√3 इक्वेशन फर्स्ट था और N1 माइनस N2 बराबर 2A/3 था इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना रखना है, जीरो। N2 जैसे ही जीरो रखेगा तो N1 का वैल्यू आ गया मेरे पास 2A/3 और उसी तरह ऊपर N2 जीरो रखेगा तो आ गया N1 का वैल्यू कितना, 2MG/√3। ए वाला और ए वाला क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, बराबर होना चाहिए। तो 2MG/√3 इक्वल टू 2F/3, 2 से 2 कट गया और हमारे पास A/3 आ गया, A/3 का वैल्यू आ गया MG/√3। अगर M से A/3 लिखें यहाँ पर तो आ गया G/√3 और दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। A/3 क्या था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना आ गया G/√3। तो मैक्स टू मैक्स एक्सेलरेशन हो सकता है G/√3 और कम से कम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है G/√3, ठीक है। तो इस सिलेंडर के लिए मूव करना है तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, G/√3 और मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए G/√3, ठीक है। तब जो है तीनों सिलेंडर माप साथ में मूव करेंगे, नहीं तो फिर वही जो है तीनों का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।